दोस्तों आज हम एस्कॉर्ट रोलर के डिप्रेशन ऑयल की सर्विस करेंगे। देखिए कैसे होती है सर्विस, मैं बता रहा हूँ आपको। ये अपना रोलर का डिप्रेशन है, इसको एक्सल बोल सकते हैं। इसमें ऑक्सल ऑयल की सर्विस करेंगे हम। ये जो नीचे वाला दिख रहा है इसको खोलेंगे हम, इसमें से डिप्रेशन ऑयल निकलेगा। ये ऊपर वाले जो दो खोले हैं इनको इसलिए खोला गया है कि ऑयल पूरा बाहर निकल जाए, एयर निकल जाए। इससे ऑयल निकाल के बाल्टी में भरेंगे हम, फिर इसमें वो डालेंगे। अपना डिप्रेशन में से एक्सल ऑयल निकल रहा है, तो पूरी तरह ब्लैक हो चुका है। देखिए इसको निकाल के इसके अंदर अपन नया एक्सल ऑयल डालेंगे। इसको खोलने के लिए कितने नंबर का एलंगी पाना लगता है सर? ये है इस पे 12। देखो 12 नंबर की एलंगी पाना लगता है इसमें। देखिए ये पाना लगा हुआ है, इसके अंदर ये बोल्ट लगा हुआ है, इससे इसको खोला जाता है। अगर एक्सल ऑयल पूरा नहीं निकले तो नीचे एलंगी का गैस दिया हुआ है ये वाला, इसको खोल के और इसको खोल के अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाले से पूरा ऑयल कभी नहीं निकलता है बाहर। डाले तो यहाँ से डालते हैं, तो इससे यहाँ से डालते हैं, पाइप से पाइप ली जाती है, ड्रम के ऊपर बैठा जाता है, फिर यहाँ पर डालते हैं। धन्यवाद। एक्सल ऑयल सर्विस करते वक्त इसी एक्सल में से भी ऑयल निकाला जाता है। देखिए यहाँ से ऑयल निकल रहा है। ऑयल निकलने के बाद में इसमें ऑयल डाला जाता है, इसमें 1.5 लीटर के समथिंग ऑयल आता है। 12 नंबर की एलंकी पाने की मदद से इसको खोला जाता है। 12 नंबर की एलंकी है, निकालने के लिए एक पाइप लेनी पड़ती है, फिर उस पर एक कीमा बनाना पड़ता है बोतल का, फिर उसके अंदर एक 5 लीटर की कैथली से ऑयल डालना पड़ता है। जैसे कि ऑयल डाला हुआ है, जा रहा है धीरे धीरे। एक व्यक्ति नीचे पकड़ के बैठा रहता है पाइप को, और उसके मुंह के अंदर डिप्रेशन के मुंह के अंदर पाइप को लगाया रहता है, फिर ऑयल अंदर जाता रहता है। डिप्रेशन ऑयल डालने के लिए सबसे पहले अपने को इसका ये मेन सेंटर वाला लॉक लगाना पड़ता है, फिर इसके नीचे दो लॉक ये वो लगाना पड़ता है, ऊपर पाइप से एक बोतल के अंदर कीमा बना के वो पाइप यहाँ डालते हैं, और ऊपर से एक व्यक्ति इसमें डिप्रेशन ऑयल डालता रहता है, ऐसे करके ऑयल डालते हैं। ये साइड वाला लॉक भी लगाना पड़ता है इसके अंदर, इन दोनों को खुला रखना पड़ता है। बांध फुल करने के बाद में इनको बंद कर देते हैं। ऐसे करके इसमें एक बोतल लगा के आगे एक कीमा लगा के इसमें एक्सल ऑयल डाला जाता है अपने, तकरीबन 1.5 लीटर। देखिए ऐसे डालते हैं, इस बोतल को फुल कर देते हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे ये ऑयल अंदर जाता रहता है। ऐसे ही उस साइड वाले दूसरे साइड वाले में एक्सल ऑयल डालेंगे 1.5 लीटर। दोस्तों ऐसे करके कीमा बना के इसके अंदर एक्सल ऑयल डाला जाता है, इसमें 1.5 लीटर एक्सल ऑयल आता है। जैसे कीमा बना के जब ये गैस फुल हो जाता है तब इसको एक्सल ऑयल को डालना बंद कर देते हैं। हमने आपको इसकी डिप्रेशन एक्सल ऑयल की सर्विस करके बताई कैसे की जाती है। ऑयल डालने से पहले हमने इसके नीचे के ये सेंटर वाला छेद और नीचे वाले दोनों छेद को बंद किया, फिर ऑयल डाला है, इनको गैस में बराबर करने के बाद इनको लॉक कर दिया, और इसमें डिप्रेशन के अंदर अपने टोटल 12 लीटर ऑयल आता है, डिप्रेशन ऑयल आता है। इसके अंदर ऑयल 68 नंबर आता है, और अपने एक्सल के अंदर गैस पर कंप्लीट डायरेक्शन 1 लीटर ऑयल आता है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में 2 लीटर ऑयल आता है इसके अंदर। यहाँ से डालते हैं ऑयल, और उसी सेम उसी टायर में जैसे डालते हैं, सेम यही कंडीशन है, उसमें भी 2 लीटर।